बस स्टैंड पर राहगीरों की जेब तराशी के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही। दो आरोपियों सन्नी तथा सुरेश को किया गिरफ्तार। डीडवाना मौलास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मौलास बस स्टैंड पर सामान नीचे रखते समय जेब कतरों के द्वारा 20,000 की जेब काटकर फरार होने के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई। राममूर्ति जोशी पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के निर्देशन में योगेंद्र फौजदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना गुमाराम वृत्ताधिकारी डीडवाना के निर्देशन में सुनील चौधरी थानाधिकारी मौलास के नेतृत्व में बजरंग लाल हेड टीम द्वारा प्रकरण संख्या 163 धारा 379/34 भादसम पुलिस थाना मौलास में त्वरित कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को लोसर जिला सीकर क्षेत्र से दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान के गिरफ्तार किया गया। परिवादी सांवरमल सैनी निवासी मौलियों की धानी धनकोली पुलिस थाना मौलास ने 18 जुलाई को उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि 18 जुलाई को समय 10 बजे मैं मेरी पत्नी को बस में बैठाने के लिए बस स्टैंड मौलास गया था। जैसे ही बस स्टैंड पर रुका तो बस आ गई। मैं मेरी पत्नी का सामान बस के गेट के अंदर प्रवेश कर रखा, जिसमें जेब कतरों के द्वारा 20,000 रुपये चुरा कर वहाँ से फरार हो गए। उक्त घटना की संबंध त्वरित कार्यवाही करते हुए बजरंग लाल हेतकानी मई टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान तथा आसूचना संकलन के आधार पर दो आरोपियों को दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान के गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में बरामदगी हेतु मुलजिमानों को 23 जुलाई तक न्यायालय से पीसी रिमांड पर लिया गया। आरोपियों से जेब तलाशी की अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तगण सन्नी पुत्र कैलाश चंद जाति सासी उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 19 नावा रोड रामगढ़ पुलिस थाना दाता रामगढ़ जिला सीकर। सुरेश कुमार सासी पुत्र दानाराम जाति सासी उम्र 41 साल निवासी लोधसा पुलिस थाना सदर सुजानगढ़ जिला चुरू को गिरफ्तार किया गया। मवेशी के सामने आने से हुआ हादसा। बाइक सवार के साथ हुआ हादसा। डीडवाना शहर के कुचामन रोड स्थित एसके ग्रीनवुड स्कूल के सामने एक बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कुचामन रोड एसके ग्रीनवुड स्कूल के सामने मवेशी के सामने आ जाने से बाइक सवार असंतुलित होकर मवेशी से जा टकराया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की सूचना तुरंत 108 को दी गई, जिसमें 108 के पायलट अनिल मुंड EMT राकेश सैनी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल बाइक सवार को 108 की सहायता से बानगढ़ चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा घायल युवक का प्राथमिक उपचार किया गया। बाइक सवार मामूली रूप से घायल हुआ, जिसमें बाइक सवार के पैर में चोट आई। घायल बाइक सवार गोविंदराम उम्र 28 साल गांव चौमू के रूप में हुई है। वही बाइक सवार डीडवाना में ही किसी बैंक में कार्यरत है, जिसके साथ सड़क हादसा हुआ।